हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज हम बनाएंगे ऐसा डेजर्ट जो बड़ों को और बच्चों को सबको बहुत पसंद आता है। ओरियो केक बच्चों को तो स्पेशली बहुत ही पसंद है। तो इसके लिए हम ले लेंगे ओरियो के बिस्किट्स एक बाउल के अंदर। आप जितना चाहे उतने ले लें। मैंने छोटे पैकेट्स लिए थे तो 3 पैकेट्स ले लिए थे मैंने बिस्किट्स के। उन बिस्किट को खोलकर उनकी हम सब में से क्रीम निकाल देंगे बिस्किट्स की। एक एक कर कर हम सब बिस्किट्स में से क्रीम निकाल देंगे। ये सब बिस्किट की क्रीम निकाल दी थी मैंने। फिर ये बिस्किट को मिक्सी के जार में लेकर हम इनको पीस देंगे अच्छे से, और इसका पाउडर हम बाउल में निकाल लेंगे। सब पीस जाना चाहिए, थोड़ा सा भी उसमें वो ना रहे बिस्किट का। वो मेरे उसमें थोड़ा थे रह गए थे तो मैंने उनको निकाल कर वापस से पीस दिया था। फिर मैंने इसमें ले लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया था 1 चम्मच, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। और ये क्रीम अब हम इसमें डाल देंगे, बिस्किट्स की क्रीम जो बची थी ना हमने निकाली थी वो हम अब इसमें ऐड करेंगे। और बाकी हमने इसमें 1/2 कप दूध लिया था, पहले थोड़ा ही डालना है फिर देख लेना ताकि बहुत पतला ना हो जाए ये। तो फिर इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, ये हम केक कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं तो ये कढ़ाई रख दी एक तरफ। उसमें पानी डाल दिया था मैंने गर्म होने के लिए। और इस बैटर को हम तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। फिर इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया। मैंने सोचा था कि ये इसमें आ जाएगा, लेकिन जब मैंने कवर किया तो वो नहीं आया। फिर मैंने दूसरा लिया और उसमें ग्रीस किया बटर, फिर उसके उसमें ये डाल दिया केक का बैटर। फिर अब हमने इसको कढ़ाई में रख दिया था और इसको हमने कवर कर दिया था 10-15 मिनट के लिए। कवर करने के बाद मैंने फिर इसको खोलकर एक बार चेक किया तो ये थोड़ा मुझे लगा कि अभी कच्चा है, ऊपर से ही दिख रहा था वो थोड़ा कच्चा कच्चा है, बाकी देखने में तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने फिर से कवर कर दिया इसको 10 मिनट के लिए। और मैंने क्रीम जो थी एक बिस्किट की क्रीम निकाल कर रख ली है। इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ में लेंगे। अब एक बार केक को चेक कर लेंगे तैयार हुआ है या नहीं। मैंने फोक से देखा था तो वो एकदम क्लीन था। फिर मैंने गैस बंद कर दिया था और उसको बाउल को निकाल लिया था उसमें से, लेकिन अभी गर्म था इस वजह से वो निकल नहीं रहा था। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने ये दूध की पॉलीथीन अच्छे से धो ली थी, क्योंकि मेरे पास कुछ और था नहीं जिससे मैं करती, तो मैंने ये पॉलीथीन को अच्छे से धो के और इसमें क्रीम डाल दी थी, ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने ये केक ठंडा हो गया था तो इसको प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया। काफ़ी सॉफ्ट बना था। यह प्रोसेस में बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था केक, तो इसको टूटने का डर रहता है ज़्यादातर। तो फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया था। चॉकलेट सिरप को मैंने अच्छे से स्पून से स्प्रेड कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो क्रीम मिक्स की थी उसको आप अच्छे से मिक्स करें, उसमें कोई लंप ना रहे। फिर उसको हमने पॉलीथीन में डालकर और इस पे ये डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी। मुझे सिंपल ही रखना था तो इसलिए मैंने बस ये 2 लाइंस कर दी। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, उन ड्राई फ्रूट्स को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था ताकि वो साइड में उसको डेकोरेट करूँ तो वो अच्छा दिखे केक देखने में। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, थोड़े काजू और बादाम लिया था बस मैंने, उसको चॉप कर लिया था। फिर उनसे मैंने ये पूरा केक डेकोरेट कर दिया था, देखिए। इस तरीके से पूरा केक पे डाल दिया था मैंने। आप चाहें आपके हिसाब से कैसे भी डिज़ाइन बना लें। फिर उसके बाद मैंने इसको सर्व करने के लिए तैयार कर दिया। ये देखिए तैयार है केक। कम खर्च में कितना अच्छा केक तैयार है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। जब बच्चों का मन करे उन्हें बना कर देंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर ये केक, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।